हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं सोचती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो होने जा रहा है बोट एंड स्ट्रीम पे, नाव तथा धारा पे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि दोस्तों राकेश यादव बुक से करेंगे और ये हमारा पार्ट 5 है। यदि चैनल पे वीडियो विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग बिना समय की बात करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड में समझ जाएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। और दोस्तों क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी वह कितने समय में तैरेगा, ये हमें निकालना है। और ये प्रश्न हमारा SSC CSSL DAO NLEC 2012 में पूछा चुका है। तो दोस्तों बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड, समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। देखिए, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है। कितना दिया गया है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है आपको, यानी धारा का चाल कितना दिया गया है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख लीजिए। फिर आपको स्पीड ऑफ मैन दिया है, यानी आपका आदमी का गति दिया गया है शांत जल में कितना है, तो स्पीड ऑफ मैन यानी व्यक्ति का चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी वह कितने समय में तैरेगा, यानी आपको टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये तो आपको पता होगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया आपको, तो डिस्टेंस दिया गया आपको 26 किलोमीटर, यानी 26। अब हमें स्पीड का हमें पता करना है। तो क्या बोल रहा है, धारा के दिशा में, जब भी आपको धारा के दिशा में कोई जा रहा है, धारा की दिशा में कोई आदमी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो करेंट यानी स्ट्रीम का जो स्पीड है और जो व्यक्ति चाहे बोट मानिए दोनों का स्पीड है, वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यही दोस्तों आपका स्पीड है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, तो स्ट्रीम का स्पीड प्लस में बोट है या व्यक्ति है उसका स्पीड, दोनों स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका बोट का स्पीड SPEED, दोनों क्या होता है दोस्तों, दोनों ऐड हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों इस बात को, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, तो स्ट्रीम मतलब धारा होता है और यहाँ व्यक्ति दिया गया है, चाहे बोट भी दिया जा सकता है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब दोनों का धारा की दिशा में वो बह रहा है, तो स्ट्रीम यानी जो धारा उसका स्पीड और बोट का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कितना है यहाँ, 3 और 5 है, यानी 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 या 24 2 26, यानी 1/4, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, 3 होल 1/4 आवर आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था ये, कैसे इसको बनाया दोस्तों समझ लेते हैं फिर से एक बार। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम में धारा का स्पीड दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ मैन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दिया गया कि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर कितने देर में तय करेगा, टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 26 है, और स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 और 5 8 हो गया, 26 8 सॉल्व किए 3 घंटा, 3 होल 1/4 आवर आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 22 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास कीजिए बनाने का। और ये प्रश्न हमारा SSC CONSTABLE GD 2012 में पूछा चुका है और बहुत बार रेलवे भी और SSB में पूछा चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है इन स्टील वाटर, यानी शांत जल में नाव का स्पीड क्या होगा, ये निकालना है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों यकीन मानिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों समय से साफ हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या हो रहा है। तो बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की दिशा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना दिया गया है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया गया आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिख लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद बोल रहा है कि और धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल में क्या होता है, धारा के विपरीत यानी उल्टा, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया गया है, तो अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है बोट का स्पीड इन स्टील वाटर, यानी शांत जल में नाव का चाल क्या होगा, हमें निकालना है। तो स्पीड ऑफ बोट जब भी निकालना हो दोस्तों,
तो एक फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड करके बटा टू, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बटा दो कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कितना दिया गया है? 12 है और 8 है, तो 12 प्लस 8 कितना होता है? तो 12 प्लस में 8 बटा में 2, तो कितना होता है दोस्तों? 20/2 यानी 20/2 यानी कितना आंसर हो गया हमारा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सांस जल में नाव का स्पीड यानी नाव का चाल कितना होगा? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तो सॉरी, सांस जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगे ये हमें निकालना है, समय निकालना है। तो टाइम लगता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो स्पीड तो निकल के आ गया 10 आ गया, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है दोस्तों? तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है नाव को 24, कितना करना है? 24 करना है। तो डिस्टेंस के डिस्टेंस के 10 कितना रख दीजिए? 24 रख दीजिए, 24 रख दीजिए, और स्पीड हमारा निकल के है 10, तो 24/10 यानी 2.4 आवर आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? तो 2.4 आवर आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी धारा की दिशा में का स्पीड दिया गया है 12 प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के उल्टा दिशा में कितना दिया गया? 8 प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ बोट कितना होता है? दोनों को ऐड करते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 यानी 10 प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सांस जल में 29 किलोमीटर कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको बोट को सांस जल में। तो स्पीड तो हम निकाल चुके हैं बोट का 10 है, तो हमें क्या निकालना? समय निकालना है। टाइम क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। डिस्टेंस कितना है? 24 है। स्पीड निकाला है 10 है, 24/10 यानी 2.4 घंटा लगेगा बोट को सांस जल में 24 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय से प्रयास कीजिए बनाने का, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएल एडवांस 2013 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों एक बार जरूर फंसिएगा आप, ठीक है? लेकिन इसको कैसे बनाना है, क्या शॉर्टिक है दोस्तों, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक तैराक एक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट तक तैरता है, और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बी बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, और क्या स्टूडेंट गलती करते हैं दोस्तों उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब समझिएगा दोस्तों कैसे बनाना है। तो एक तैराक स्टूडेंट क्या गलती करते हैं दोस्तों उसको पहले बाद में करें, पहले सीख लेते हैं स्टूडेंट क्या गलती करेंगे। देखिए, स्टूडेंट गलती करेंगे, एक तैराक है जो ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तैरता है, और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बी बिंदु पर वापस आता है। यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी ए बी के बीच की दूरी कितना है? तो ए यहाँ मान लीजिए ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है? अब क्या बोल रहा है दोस्तों? तो बोल रहा है कि एक तैराक है जो ए बिंदु से धारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट तैरता है। तो अगर हम लोग अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या कीजिएगा? 100/5 कीजिएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में करता है, तो आप मानिएगा 100/5 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर बोल रहा है कि वह धारा की दिशा में टाइम लेता है, फिर 5 मिनट लेता है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालिएगा, फिर 100/5 कीजिएगा यानी 20। अब दोस्तों समझिएगा, यहाँ आप करिएगा शुरुआत में जो आप पढ़िएगा तो ऐसे ही कीजिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये स्पीड आ गया आपका, यहाँ भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ठीक है? कैसे? अगर हम लोग बोट का अगर हम लोग स्पीड निकालते हैं तो बोट का स्पीड निकल के आ जाएगा 20 प्लस 20/2 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट का स्पीड क्या होता है? अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड बटा 2 यानी 20 प्लस 20 40/2 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बोट का स्पीड। अगर हम लोग स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा का स्पीड निकालते हैं तो 20 - 20/2 तो 0 आ रहा है, यानी धारा का स्पीड कहीं 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो दोस्तों ये गलत हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला तो समझिएगा, ठीक है? दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तैराक है जो ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल धारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट तक तैरता है, और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बी बिंदु पर वापस आ जाता है। तो आपको कैसे करना होगा दोस्तों? मान लेते हैं कि धारा की दिशा इधर है, ठीक है? अब कोई ए आदमी है जो धारा की विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रहा है यानी इधर ट्रेवल कर रहा है, तो कोई बिंदु ओ मान लेते हैं, कोई बिंदु ओ मान लेते हैं, तो ओ मानते हैं, तो यहाँ ये कितना है? 100 है, और यहाँ एक्स मान लेते हैं यानी एक्स मीटर है, ओ बिंदु है,
ठीक है दोस्तों, ओ बिंदु है और एक्स मीटर है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि 5 मिनट लेता है। अगर हम लोग अपश्चिम स्पीड निकालें, अपश्चिम स्पीड, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स बटा में 5 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, यानी एक्स टाइम एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना टाइम हो रहा है, 1/5। अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालें दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर बोल रहा है कि फिर वापस बी तक आता है तो 5 मिनट लगता है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अब ओ पॉइंट से बी तक, यानी 100 + x, यानी 100 + x और बटा में 5, यही तो हो गया, समझ में आया। ये हमारा अपश्चिम स्पीड 1/5 निकल गया और डाउन स्ट्रीम कितना निकल, 100 / x, 100 + x / 5। फिर से समझिए दोस्तों इस प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बोला है ए और बी की दूरी 100 मीटर है। अब एक आदमी है जो पॉइंट ए से धारा की विपरीत दिशा में ट्रेवल करता है, तो धारा की विपरीत दिशा में मान लेते हैं कि धारा की दिशा इधर ट्रेवल कर रहा है, तो धारा की विपरीत दिशा इधर ट्रेवल कर रहा है, तो ये पॉइंट ओ तक गया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिनट में, तो डाउन अपश्चिम स्पीड क्या होता है, तो अपश्चिम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया धारा की विपरीत, एक्स डिस्टेंस और कितना टाइम में, 5 में, तो 1/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, 5 मिनट में, तो इसको हम क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 हो जाएगा, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कितना हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड में आ गया, क्योंकि मीटर प्रति मिनट में था, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए सेकंड में आ गया, तो 1/300 फिर 100 + 1/300 सेकंड में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा वो सोचिए, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा का चाल निकालना है, तो धारा का चाल कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि धारा का चाल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2, यानी दोनों का डिफरेंस लेकर बटा 2 करना होगा, तो डिफरेंस ले लीजिए, ये हमारा कितना हो गया, 100 + x बटा में 300 माइनस x बटा में 300, तो अगर हम अलग करते हैं तो ये 100 / 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 / 300 हो गया, अब प्लस में 1/300 माइनस 1/300, तो 1/300 कट गया, यानी कितना आ गया हमारा, 100/300 आ गया। अगर इसको हम लोग करते हैं तो 1/3 कितना आएगा, 1/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 100 + x अच्छा बटा 2 भी तो करना है ना, धारा का चाल निकालना है तो क्या करना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस लेकर बटा 2 करना है, तो बटा 2 कीजिएगा ना, बटा 2 करना होगा तो बटा 2, यानी ये जो 100/300 है फिर बटा 2 करेंगे, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी 1/ कितना हो जाएगा, 100/600 यानी 1/6 हो गया। अगर हम लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं 1/6 को, तो 0. कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो आपका 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, धारा के चल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया ना, तो 1/6 मीटर प्रति सेकंड, अगर चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 18 यानी 5/3, तो 5/3/5 तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो 0.6 लिख सकते हैं, यानी 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से समझते दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए कोई आदमी है जो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिनट में, तो 1/5 ये क्या हो गया, मीटर प्रति मिनट हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं हम लोग स्पीड को, तो 1/300 हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता है, तो एक्स यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया धारा की दिशा में, तो एक्स प्लस 100 इतना डिस्टेंस और टाइम 5 मिनट, यानी 5 × 60 यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हम लोग जानते हैं धारा का चाल क्या होता है, धारा का चाल होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2, तो यहाँ हम लोग किए 100 + x / 300 माइनस 1/300 / 2, 2 से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा, बटा 2 हो गया, फिर सॉल्व किया दोस्तों तो आग कितना गया, 100/600 आया, कितना है 100/600 यानी 1/6 आया। अब 1/6 क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आया, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किए तो 6 × 18 = 6 से 3 बार में, यानी 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, उसको सॉल्व किए तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 24 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है, प्रयास कीजिए बनाने का। और ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीएल टायर 1 2013 में पूछा चुका है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी धारा के उल्टा दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता है, तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं प्रश्न हमारा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो एक व्यक्ति है जो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में क्या होता है, अपश्चिम होता है। तो अपश्चिम स्पीड का निकालना हो तो डिस्टेंस अपन क्या करेंगे हम लोग, तो कितना किलो, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर है। और हमें ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, ठीक है। तो किलोमीटर में डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, लेकिन स्पीड टाइम क्या दिया गया, 10 मिनट में। तो 10 मिनट को हम लोग क्या ले सकते हैं, 10/60 घंटा ले सकते हैं। अब कितना हो गया हमारा, ये 60 ऊपर चल जाएगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आ गया आपका अब पश्चिम स्पीड, यानी धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल में। अब हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे यानी धारा के अनुकूल में, तो वो कितना हो गया, तो उतनी ही दूरी 4 मिनट तय करता है, उतनी ही दूरी यानी 1 किलोमीटर दूरी वह 4 मिनट तय करता है। तो 4 मिनट तय करता है यानी 4/60 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 1/15 हो गया, ये 15 ऊपर चल जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका निकल के आ गया दोस्तों डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब हमें क्या निकालना है, धारा का स्पीड निकालना है। तो धारा का स्पीड कितना होता है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अब 2। तो ये कितना है, 15 है, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया हमारा, तो 1 किलोमीटर 4 मिनट में ट्रेवल करता है, यानी कितना हो गया दोस्तों, ये 15 हो गया और अप स्ट्रीम में कितना हो गया, 60 मिनट प्रति घंटा हो गया। तो धारा का हमें क्या निकालना है, धारा का स्पीड निकालना है। तो दोनों का डिस्टेंस ले लेंगे तो कितना होगा हमारा, 45 हो जाएगा। और 45/2 करते हैं, सॉरी 4 मिनट में तय कर उतनी ही दूरी वह धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो उतनी ही दूरी 4 मिनट तय करता है, 4/60 हो गया। तो ये 60 ऊपर चलेगा, 60/4 कितना होगा, 15 हो गया। और ये कितना हो गया, 1/6 ये कितना हो गया दोस्तों, 6 हो जाएगा, 10/60 हो गया, तो 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा का स्पीड निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम 2 करना होगा। तो ये 15 हो गया, 15, और ये अप स्ट्रीम माइनस 6, तो 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 15/6 करेंगे तो 9 होगा, 9/2 करेंगे दोस्तों, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं उस प्रश्न को, देखिए एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट तय करता है, तो अपश्चिम स्पीड कितना हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर और टाइम 10 मिनट दिया गया है, तो उसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 10/60 हो गया, ये 60 ऊपर चल जाएगा, तो 60/10 कितना होता है, 6 होगा। तो गलती से हम लोग क्या करिए, 60 ले लिए थे, ठीक है, तो कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होता है, तो डाउन स्ट्रीम होता है दोस्तों आपको दिया गया है कि उतनी ही दूरी यानी 1 किलोमीटर दूरी वो 4 मिनट में ट्रेवल करता है, तो 4/60 कर दिए यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो हमेशा दोस्तों डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है अप स्ट्रीम स्पीड से, तो ठीक है। तो हम लोग अब धारा का स्पीड निकालना है, तो धारा का स्पीड कैसे निकलेगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड 2 करेंगे, यानी 15 - 6/2 किए यानी 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन 24 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 25 पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है, प्रयास कीजिए बनाने का। और यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा चुका है। और प्रश्न इस प्रकार है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के उल्टा दिशा में जाने की तुलना में नीचे की ओर यानी धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है, तो स्थित जल में नौका की और उस धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, यह हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बनाने का प्रयास कीजिए। ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट जो धारा और बोट एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित ये प्रश्न का, तो प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोल रहा है एक नौका यानी नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के उल्टा, धारा के उल्टा क्या होता है दोस्तों, अपश्चिम होता है, यानी अपश्चिम लिखिए स्पीड, अपश्चिम स्पीड तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, यानी समय की बात हो रहा है, टाइम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ अपश्चिम लिखिए यानी धारा का उल्टा, स्पीड नहीं अपश्चिम लिखिए। तो अपश्चिम का क्या होता है दोस्तों, धारा के विपरीत, ठीक है, और यहाँ डाउन स्ट्रीम लिखिए,
यहाँ टाइम का बात हो रहा है। तो देखिए टाइम क्या हो रहा है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। यानी दोस्तों जो बोल रहा है कि अपस्ट्रीम धारा के विपरीत जाने में कितना टाइम लगता है, तो धारा के विपरीत जाने में दोस्तों बोल रहा है कि प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। यानी नीचे की ओर जाते हैं तो धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो उससे आधा समय लगता है। मान लीजिए कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको 2 मिनट लग रहा है, तो धारा के साथ जाएंगे यानी 1 मिनट लगेगा। धारा के साथ यानी नीचे की ओर, धारा के साथ जा रहे हैं तो 1 मिनट लगेगा और धारा के विपरीत जा रहे हैं 2 मिनट लगेगा। अब हम जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस सेम हो यानी डिस्टेंस समान हो तो टाइम होता है और स्पीड का दोनों उल्टा होता है। यानी 1:2 के अनुपात में क्या होगा दोस्तों, ये आपका स्पीड निकल के आ गया। टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए टाइम बोल रहा है कि एक नौका को कुछ दूरी भाग के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। यानी अगर 2 यूनिट इसमें लग रहा है धारा के विपरीत दिशा में तो डाउन स्ट्रीम नीचे को जाने में आधा समय लगता है, 1 मिनट लगा। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस जब भी सेम हो तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ये तो आपको टाइम का रेशियो दिया गया 2:1, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, तो शांत जल में नौका की और धारा की चालक अनुपात, यानी आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा का चाल का अनुपात पता करना है। तो मैंने आपको बता रखा है स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बटा 2 करना है, यानी दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, ये बोट का निकल के आ जाएगा। यानी 1+2 3/2 हो जाएगा। और स्ट्रीम यानी धारा का निकालना है तो क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस लेकर 2/2 2-1 यानी 1/2। ये तो पता है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी बोट का स्पीड अगर निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 यानी 2+1 3/2। जब भी आपको धारा का स्पीड निकालना हो, धारा गति निकालना हो, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 यानी 2-1 1/2। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना गया, 3 से 1 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन हमारा बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी प्रश्न किए ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।